please click the subscribe button of ICPF Online and do not forget to click the bell icon so that you can be notified of our new videos. Thank you. हमारे ICPF Online चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में मालूम हो सके। हालेलुया, प्रेज जीसस। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। आज शाम के लिए मैं आपके सामने दो हवाला जात रखना चाहता हूं और आज का मौजू आपने पढ़ लिया होगा, मैंने नोटिफिकेशन में डाला है, डिलीवरेंस फ्रॉम पॉवर्टी। क्या कहा मैंने? डिलीवरेंस फ्रॉम पॉवर्टी, गुरबत से रिहाई। इस्तिशना 28 बाब। और अगर तुम खुदावंद अपने खुदा की बात को जान फिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों को जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ अत्याद से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। आठवीं आयत, खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। खुदावंद तेरा खुदा उस मुल्क में जिसे वो तुझको देता है तुझको बरकत बख्शेगा। अगर खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई तुझको अपनी पाक कौम बनाकर कायम रखेगा। ये खुदावंद खुदा का हुक्म है और दुनिया की सब कौमें ये देख कर तू खुदावंद के नाम से कहलाता है तो उससे डर जाएंगी और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदा ने तेरे बाप दादा से खाई थी उसमें खुदावंद तेरी औलाद को और तेरे चुपायों के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ा कर तुझको बरोमंद करेगा। आज का हमारा मजमून है डिलीवरेंस फ्रॉम पॉवर्टी, डिलीवरेंस फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत की रूह से रिहाई। बारहवीं आयत में लिखा है खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा, गुर्बत का कोई नामो निशान ना रहेगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मैं बरसाए और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। हालेलुया, तू बहुत सी कौमों को क्या करेगा? कर्ज देगा। तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। ये है बढ़ोती की बात, ये है प्रॉस्पेरिटी की बात। खुदावन ने इन तमाम बरकात के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई है कि हम उसे डरें और उसके कलाम को सुनें और उसके कलाम पर अमल करें। तो ये सारी बरकात खुदावंद खुदा हमें देगा। और आगे बड़ी जबरदस्त बात है, खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। बशर्ते के अब जो है कंडीशन, तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूं सुने और इत्तेआ से उन पर अमल करे। तो ये आपने इस्तिशना 28 बाब 1 से 14 आयात का मतालिया करना है।
तो हमने आखिरी बात में ये सीखा कि खुदावंद खुदा अपना अच्छा खजाना, वो खजाना जो आसमान पर मेरे और आपके लिए है, वो खोल देगा, वक्त पर मैं बरसाएगा। और फिर खुदा ने बड़ा ज़बरदस्त वादा किया है कि तू कर्ज देने वाला होगा, कर्ज लेगा नहीं। लेकिन आज जब हम अपनी कौम पर निगाह करते हैं तो कितने ही लोग सरफराजी की निचली सतह पर जिंदगी बसर कर रहे हैं और कर्जे की लानत में फंसे हुए हैं, और वो कर्जा पुश्त दर पुश्त नस्लों नस्ल दर नस्ल उनका चलता रहता है। और खुदा ने इसलिए मेरे दिल में ये बोझ डाला कि आज मैं एक ऐसे मौजू पर बात करूं जिसकी जरूरत हम में से हर एक को है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। ये हम आगे चलकर इस कलाम को सीखेंगे। तो ये खूबसूरत मैसेज जो आप सुन रहे हैं, आप कोशिश करें कि जिन जिन बहन भाइयों को आप इनवाइट कर सकते हैं, आपकी वाल पर हैं, आपका मोबाइल फोन फ्री है, आप उनको टेलीफोन करके बुला सकते हैं। लेफ्ट शेयर बटन को क्लिक करें, वो आपके साथ शामिल होंगे ताकि ये कलाम बहुत सारे लोगों तक पहुंचे। हालेलुया, प्रेस गॉड, जाओ बरेकी। और साथ साथ इस कलाम को शेयर करते जाएं, वो लोग जो कर्जे की लानत के नीचे दबे हुए हैं और गुर्बत की निचली सतह पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, आज का कलाम उनके लिए एक ब्रेक थ्रू की हैसियत रखता। हालेलुया, प्रेस गॉड, जाओ बरे की। खुदामंद खुदा आपके जीवन में आज ब्रेक थ्रू लाना चाहता है। हालेलुया, प्रेस गॉड, जाओ बरे की। एक हवाला हम नए ऐदनामे में से भी सुन लें जो मैंने डाला है, दूसरा करंथियों 8 बाब उसकी नामी आयत, सेकंड करंथियन चैप्टर 8:9। क्योंकि तुम हमारे खुदावन यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था। पौलुस रसूल ये बयान कर रहा है, अगरचे के वो दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातर गरीब बन गया, ताकि उसकी गरीबी के सबाब से तुम दौलतमंद हो जाओ। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। इस वर्ष को जुबानी याद करें और धराते रहें। खुदा के बहुत सारे मकासद थे आसमान से जमीन पर आने के, उनमें से एक मकसद ये भी था कि हमें गुर्बत से रिहाई बख्शे, हमें दौलतमंद बनाए, हमें ईमान में दौलतमंद बनाए, हमें कलाम में दौलतमंद बनाए, हमें कुदरत की नेमतों में दौलतमंद बनाए। कुदरत की नेमतों में 3 नेमतें रूल कुदस की आती हैं, शिफा की नेमत, मोजात की नेमत और ईमान की नेमत। तो मैंने कहा कि वो इसलिए आया कि वो मुझे और आपको ईमान की दौलत से माला माल करे, कलाम की दौलत से माला माल करे, कुदरत की नेमतों से माला माल करे, कलाम की कुदरत से माला माल करे। और इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि वो हमें फाइनेंस में माला माल करे, दौलतमंद करे।
और हम कर्जा देने वाले हों ना के कर्जा लेने वाले हों। और आज खुदामंद खुदा, मेरा ये कामल ईमान है कि जबरदस्त मसा शुदा कलाम की कुदरत के वसीला से वो लोग जो गुर्बत की बदरू के कब्जे में हैं, खुदामंद खुदा आज इस जबरदस्त कलाम की कुदरत से और दुआ के वसीला से गुर्बत की रूह के बंदरों से हमें छड़ाएगा, हमें सरफराज करेगा। हम लेने वाले नहीं, हम देने वाले बन जाएंगे। डू यू बिलीव दैट? क्या आपका ये ईमान है? हालेलुया, खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ हो। आप जानते हैं कि जब आदम ने गुनाह किया तो खुदा ने आदम को बागे अदन से निकालने से पहले उसकी डिलीवरेंस का बंदोबस्त किया, उसकी रिहाई और मखलसी का बंदोबस्त किया, जिसमें ये सारी बातें जिनका मैंने जिक्र किया वो आ जाती हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। उस वक्त तक खुदा ने आदम को बागे अदन से नहीं निकाला जब तक के उसकी डिलीवरेंस का बंदोबस्त ना किया। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। हम खुदामंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं, और इसीलिए अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर ईमान लाकर नजात पा चुके हैं और बच गए हैं, तो फिर खुदावंद खुदा चाहता है कि आप दौलतमंद जिंदगी बसर करें। खुदावंद ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम जो है गुर्बत की निचली सतह पर रहें और परेशान रहें, घर का कर्जा चढ़ा रहे, बच्चों की फीसें, यूटिलिटी बिल जो हम पर चढ़े रहें। खुदा ने ऐसा कभी नहीं सोचा हमारे बारे में। मारा खुदा जिसकी हम प्रस्तुति करते हैं वो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है। वो तो खुद सारी चीजें देता है। जबरदस्त इनकलाबी हवाला पढ़ें, रोमन 8:31-32। अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जब उसने अपना बेटा ही दे दिया तो फिर किस चीज को रोकर रखेगा? हालेलुया, व्हाट डज इट मीन? इसका मफहूम ये है कि जब खुदा ने हमारी मखलसी, हमारी डिलीवरेंस का प्रोग्राम बनाया, पदाश 3:15 का हवाला पहले मैंने भी शेयर किया, फिर दोबारा बता रहा हूं, तो उसने अपने बेटे में तमाम प्रोविजंस मुहैया कर दी। जब उसने बेटा दिया तो हमें साथ हमारी तमाम जरूरियातें, जिंदगी, हमारी तमाम जजियात हमें बख्श दी। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। खुदामंद खुदा आज आपके गुर्बत के बंदरों को तोड़ रहा है। खुदावंद आज मुझे और आपको गुर्बत की बदरू के कब्जे से छड़ाएगा। हालेलुया, प्रेज जीसस। तो लिहाजा हमने ये पढ़ा कि जब उसने अपना बेटा ही दे दिया तो फिर कौन सी चीज का द्रे करेगा?
Gospel of John, chapter 1, verse number 12. वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसको कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसको कबूल किया खुदा ने उनको अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। क्या कभी आपने इस वर्ष पर गौर किया है? क्या कभी आपने इस वर्ष के ऊपर मेडिटेट किया है? क्या कभी आपने इस वर्ष पर गौर खोज किया है, सोचा है कि यह वर्ष क्या कह रही है? जितनों ने उसको कबूल किया खुदा ने उन्हें अपने क्या कर दिया, फर्जंद होने का हक बख्श दिया, यानी बेटे बेटियां होने का हक बख्श दिया। और ये दुनिया का कानून है, तमाम अदालतें इस हक की फेवर में हैं। खुदा भी और दुनिया की अदालतें भी इस हक की फेवर में हैं कि जो बाप का होता है वो बेटे का होता है। एम आई राइट? क्या मैंने सही कहा? कैन आई हैव योर फीडबैक? तो इसका मतलब हुआ कि जो कुछ खुदा का है, जो उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं, जो खुदा रखता है, वो तमाम दौलत का मंबा है, वो सब कुछ हमारा है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बड़े की। फिर हम गुर्बत की निचली सतह पर कैसे रह सकते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। खुदा हमें दौलतमंद देखना चाहता है। क्या आप उसके बेटे और बेटियां बन गए हैं? क्या आपको याद है कि आपने किस दिन तौबा की, किस दिन खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया? मुझे याद है कि 19 अक्टूबर 1974 में मैंने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। खुदा ने मुझे अपना बेटा बना लिया और बेटा बनाने के साथ आसमानी और जमीनी बरकत बख्शी। हालेलुया, ये मेरी गवाही है। हम खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं जब हम उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। हम प्रिंस और प्रिंसेस बन जाते हैं, शहजादे शहजादियां बन जाते हैं। जो कुछ बाप का है वो मेरा और आपका बन जाता है। मारी मेराज यीशु के साथ है, इसलिए वो खोई नहीं जा सकती। तो लिहाजा हम आज ये सीख रहे हैं जब हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं तो हम गुर्बत की निचली सतह पे जिंदगी बसर नहीं कर सकते। क्या आप बिलीव करते हैं कि जो जब हम बेटे बन जाते हैं तो वो हमारा बाप बनता है? जो बाप का वो बेटे का है। तो जो बाप का क्या, बाप का सब कुछ है। तमाम दुनिया की हुकूमतें, सल्तनतें और रुपया पैसा सब कुछ सोना चांदी तो उसका है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। और जब कभी हम देने की बात आती है तो हम अपने पास से, हमारे पास है क्या? हमारी तो सांसें भी अपनी नहीं, हम उसको क्या देंगे? हम तो उसके दिए हुए में से भी उसको देने से दरेक करते हैं। यही वजह है कि हम गुर्बत की निचली सतह में जिंदगी बसर करते हैं और उसमें फंसे रहते हैं। मत्ती 6 उसकी 33 वर्ष है। आपके पास खुदा का कलाम है, आप निकालें और इसको पढ़ें और देखें कि मैं आपके साथ क्या शेयर कर रहा हूं। मत्ती 6
और उसकी वर्स नंबर 33। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी, जिसका जिक्र जो है छठे बाब में किया गया है। छे बाब मत्ती छे बाब उसकी 19 से लेके जो है 34 वर्ष तक ये सारी बातें जो हैं आप पढ़ें। खुदावन कहता है कि ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। क्या करो? पहले हमारा काम है, हमारा काम क्या? खुदा की बादशाही की तलाश करनी है। जो बादशाह होता है उसकी बादशाही होती है, तो इसका मतलब हमने बादशाह की तलाश करनी है। जब हम बादशाह की तलाश कर लेंगे तो बादशाही हमें मिल जाएगी। और बादशाह कौन है? खुदा यीशु मसीह है। डाकू ने कहा 23:44 में कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। उसने उसे बादशाह तस्लीम कर लिया, उसको बादशाही मिल गई और बादशाही की तमाम बरकात उसको मिल गई। आखिरी 6 घंटे का शिगिर्द खुदा की बादशाही में दाखिल हो गया। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उस मजीद हो। खुदावंद खुदा ये कहता है कि आज मैं और आप इन सारी बातों की फिक्र में रहें। जब हम उसको कबूल करते हैं तो ये सारी चीजें खुदावंद खुदा हमें दे देता है। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। अगर हम कलामे मकद्दस में से एक हवाला देखें, सब चीजें तुम्हारी हैं। हालेलुया, दूसरा करंथियों 3 बाब और उसकी 21 वर्ष को मैंने आपके सामने रखा है। तमाम चीजें क्या हैं? तुम्हारी हैं। हालेलुया, प्रेस गॉड जहो बरे की। तम खुदामंद खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। बस आदमियों पर कोई फख्र ना करे। 1 Corinthians 3:21 1 Corinthians 3:21 बस आदमियों पर कोई फख्र ना करे। आज दुनिया जो है बादशाहों पर फख्र करती है, आज दुनिया अपनी लियाकत पर फख्र करती है, आज दुनिया अपनी दौलत पर फख्र करती है, आज दुनिया अपने हुसन पर फख्र करती है। कलाम कहता है कि ना साहिबे हिकमत अपनी हिकमत पर, ना दौलतमंद अपनी दौलत पर, ना कौवी अपनी कुवत पर फख्र करे। अगर कोई फख्र करे तो इस बात पर फख्र करे कि मुझे जानता और समझता है। यरमाया 9:23 जी, आज हम एक खूबसूरत मैसेज खुदावन के कदमों में मरियम की तरह बैठकर सीख रहे हैं। और साथ साथ अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आपको बरकत मिल रही है, तो जरूर साथ साथ शेयर करते चले जाएं और बाकी बहन भाइयों को इनवाइट करना भी मेरा और आपका फर्ज है। तो क्या लिखा भी इस वर्ष में? बस आदमियों पर कोई फख्र ना करे। अगर हमारा फख्र है तो हम खुदा की जात पर फख्र कर सकते हैं। कोई हमें हमारी हेल्प कर दे 100 दफा में याद दिलाएगा,
तो हम क्यों ना उस पर फख्र करें जो देकर पछताता नहीं है। क्या मैंने सही कहा? आपने जो जिंदगी का मालिक है, जो तमाम तर दौलत का मंबा है, उसको हासिल करना है। सब चीजें उसकी हैं, सारे खजाने उसके हैं, सारे दफीने उसके हैं। जब हम तौबा करते हैं तो आसमान हमारे लिए खुल जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरेकी। तो हम खुदामंद खुदा का शुक्र करते हैं कि मैंने ये कहा कि सारी बरकात जो हैं उसमें मौजूद हैं, वो तमाम दफीनों का मालिक है। अगर आप मेरे साथ देखें एक हवाला, कुलसियों 2 बाब, ये सोर्स ऑफ ऑल रिचेस, 2 बाब 2 से 3, कुलोसियंस चैप्टर 2 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 2 और 3। ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें, पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें। और अब बात आ गई, खुदा के भेद यानी मसीह यीशु को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने क्या हैं? पशीदा हैं। हालेलुया, जिसमें हिकमत और मार्फत के सब खजाने पोशीदा हैं। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरा देखना, वही मसला हो गया, नॉट एनफ स्पेस। सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो इस हवाले में हमने देखा कि जीसस इज सोर्स ऑफ ऑल वेल्थ एंड रिचेस, चाहे उनका ताल्लुक पैसे से हो या रूहानी दौलत से हो। और ये खजाना पालूस रसूल ये कहता है, क्या कहता है जी? आए हम देखते हैं कलामे मुकद्दस में से, 2 करंथियों और उसका 4 बाब उसकी 7वीं वर्स को हम पढ़कर देखते हैं। लेकर हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से क्या हो? मालूम हो। हालेलुया, प्रेस गॉड। यीशु मसीह तमाम दौलत का मंबा है, चाहे उनका ताल्लुक जिस्म के साथ हो या रूह के साथ हो। तमाम बरकात उससे जारी और सारी होती हैं और हमारे बदन में आती हैं। क्या कोई हवाला है जो इस ख्याल को सपोर्ट करता है? जी हां, मेरे साथ देखें 2 करिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 7 का हवाला मैंने बता दिया था पहले। हाँ सॉरी, मैंने ये हवाला आपको बता दिया है कि ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में खुदामंद खुदा ने रखा है। और इसके साथ साथ मैं एक और हवाला जबरदस्त आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये बाइबल स्टडी है, हाउ टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ
slavery and poverty. Second Corinthians chapter 6, verse number 10. तवज्जो फरमाएं, गमगीनों की मानद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, ये खुशी की दौलत है, ये सेरी और असूदगी की दौलत है। आज लोग खाते हैं लेकिन असूदा नहीं होते, आज लोग खाते हैं उनका शायद पेट तो भर जाता है लेकिन आंखें असूदा नहीं होती। आज लोगों के पास दौलत तो है, दौलत के अंबार तो हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं है, फिर भी उनको नींद नहीं आती। लेकिन पालूस ये एक जबरदस्त राज की बात कह रहा है। हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? क्या कभी आपने इस राज को सुना है? ये एक मकाशवाती बात है। गमगीनों की मानद हैं। पालूस रसूल जो अपने आप को और तमाम बिलीवर्स को जो मुझे सुन रहे हैं, इफ यू आर बॉर्न अगेन, पालूस रसूल आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हम सब के लिए, तमाम ईमानदारों के लिए कह रहा है, गमगीनों की मानद है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। हालेलुया। कंगालों की मानद हैं मगर बतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। तीसरी बात कहता है, नदारों की मानद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। लिखे हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस फॉर दिस स्पिरिचुअल रेवलेशन। ये तीन बातें मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं। गमगीनों की मानद हैं फिर भी खुश हैं, कंगालों की मानद हैं बतेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नदारों की मानद हैं और उसके बावजूद भी सब कुछ रखते हैं। हम कैसे गरीब हो सकते हैं? ओ हालेलुया रबला जी रबाना सो शबला जी रबांता दी रबाहियला सो रबक शबला जी रबांता सोलिया रफीर। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की खुशी से भर जाए, शादमानी से भर जाए। खुदावंद आपके बंदरों को तोड़ रहा है, खुदावंद आपकी स्लेवरी को, आपकी जो है गुर्बत के जो है बंदरों को तोड़ रहा है। खुदावंद खुदा आपके जो बंद रास्ते हैं खुदा उनको खोल रहा है। अगर आपके कोर्ट कचहरियों में केस है, एम्बेसी में केस है, खुदावंद आपके तमाम रास्तों को हमवार कर रहा है, इसलिए कि खुदा की कुदरत ने मुझे और आपको जकड़ लिया है। खुदा का गहरा मसा हमारे दरमियान छाया हुआ है। खुदावंद खुदा जो स्लेवरी के और पॉवर्टी के बंधन है, पाकरू की कुदरत के साथ उनको तोड़ रहा है ताकि हम उसकी गुर्बत से माला माल और दौलतमंद हो जाएं। हालेलुया, लिखे हालेलुया, प्रेज गॉड, जाहो बरे की। जब पालूस रसूल ये कह रहा है नदारों की मानद हैं, गमगीनों की मानद हैं और कंगालों की मानद हैं, लेकिन बतेरों को दौलतमंद कर देते हैं और सब कुछ रखते हैं। ये मैसेज आप, हम, मेरे और आपके लिए है। इसको दिल से कबूल कर लें। जीसस यू हैव गिवन टू मी ए टू जी ब्रेड एंड बटर एंड एवरीथिंग विच belong to heaven or belong to earth। तूने आज मुझे सब कुछ दे दिया है। I am no more poor।
तूने मुझे गुरबत से रिहाई बख्शी है, तूने मेरे बिजनेस को खोला है, तूने मेरी तमाम जरूरियात को पूरा किया है। अब थोड़ी देर के लिए पालूस रसूल यहां पर कहता है कि हम गरीबों की मानद हैं लेकिन बहुतों को दौलतमंद कर देते हैं। व्हाट इज दिस रेवल्यूशन? ये क्या मकाशवा है? इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर कैंसर, अगर कोई शख्स ब्रेन कैंसर की वजह से मर रहा है, ट्यूमर से मर रहा है, ही हैज नॉट लैकिंग मनी, ही हैज एवरीथिंग, दौलत का अंबार है उसके पास, बैंक बैलेंस है उसका, लेकिन वो अपनी दौलत से अपने अजीज को, अपने बेटे को कैंसर से रिहाई नहीं दिला सकता। लिसन टू मी केयरफुली, इफ यू आर बॉर्न अगेन, इफ यू आर हैविंग स्पिरिट फिल्ड लाइफ, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर दिस वर्स, मार्क चैप्टर 16 वर्स नंबर 17। ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजे होंगे, वो बदरुओं को निकालेंगे, मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे, बीमारों को शफा देंगे, सांपों को उठाए पिए फरेंगे, उनको जर ना पहुंचाएंगे, और कोई जहर वाली चीज पी लें उससे उनको नुकसान ना होगा। जब वो बीमारों पे हाथ रखेंगे तो बीमार शफा पाएंगे। अपने हाथों को देखे खुदा का कहे खुदावन तेरा शुक्र हो इन हाथों के लिए, तूने इन हाथों में अपनी ब्लेसिंग को रखा है। और आप हॉस्पिटल में जाते हैं और उस कैंसर वाले मरीज को जो मर रहा है, और वो आदमी जिसके पास दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अपने अजीज की शफा उस पैसे से नहीं खरीद सकता। लेकिन आप गरीब हैं लेकिन खुदावंद में दौलतमंद हैं। आप जाकर उस आदमी जो के ब्रेन कैंसर से में मुबतला है, आप जाकर उसके ब्रेन पर हाथ रखते हैं और आप उस ब्रेन कैंसर की ट्यूमर को हुक्म देते हैं। यू स्पिरिट ऑफ कैंसर ट्यूमर, यू स्पिरिट ऑफ कैंसर ट्यूमर, आई रिब्यूक एंड कमांड यू इन द माइट ऑफ जीसस, कम आउट ऑफ दिस बॉडी राइट नाउ, और देन एंड देयर वो ट्यूमर डिसअपीयर हो जाएगी। मैंने 1974 में जब खिदमत का आगाज किया तो इसी मौजे से मैंने आगाज किया। एक घर में गया, एक आदमी था जिसके ब्रेन ट्यूमर थी। 1974 का वाकया है, जब मैंने हाथ रखकर दबा के उस ट्यूमर को झिड़का, यकीन जाने देन एंड देयर वो ट्यूमर डिसअपीयर हो गई। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के दौलतमंद अपनी जगह पर हैं। खुदावन ने हमें जिस्मानी दौलत का भी देने का वादा किया है और रूहानी दौलत देने का भी वादा किया है। ये जो जिस्मानी दौलतमंद हैं, मकाशवा का मसन्नफ उनके बारे में फरमाता है, क्योंकि तू कहता है कि मैं दौलतमंद हो गया हूं, ये नहीं जानता कि अंधा है, ख्वार है, वारा है और नंगा है। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स नंबर 18, तुम उससे आग में तपाया हुआ सोना ले ले ताकि तू दौलतमंद हो जाए।
आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले और अपने नंगेपन को ढांकने के लिए सफेद पोशाक ले ले ताकि तू आगे को नंगा ना फिरे। मैं तुझे सलाह देता हूं, तू अपनी नजर में दौलतमंद है लेकिन मेरी नजर में तेरी हालत ये है। मैं अक्सर ये कहता हूं, अगर दुनिया का कोई भी आदमी इस वक्त आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, अगर आप किसी भी शख्स का नाम आपके जेहन में आता है तो वो दौलत में नंबर वन है, नंबर दो, नंबर तीन, नंबर सात तक गिनते जाए ऑनवर्ड। अगर ये दुनिया के लिहाज से दौलत में नंबर वन पर आते हैं, अगर यसु इनके पास नहीं है, यकीन जाने इनसे ज्यादा कोई गरीब है नहीं है। Am I right? अगर आप दुनिया की नजर में गरीब हैं लेकिन यसु मसीह आपके पास है तो आप दुनिया के मीर तरीन शख्स हैं। Am I right? क्या मैंने सही कहा? आज का मजमून क्या हम भूल ना जाएं, डिलीवरेंस फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत की रूह से रिहाई। ये किस्म की बदरू है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती। गुर्बत को बदरू के तौर पर डील करना चाहिए। जो दुआ हम इविल स्पिरिट लोगों की डिलीवरेंस के लिए करते हैं, वही दुआ हमें गुर्बत से रिहाई के लिए भी दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये एक स्पिरिट है, ये एक रूह है और हमें इसको छिड़कना चाहिए। मेरा ईमान है कि आज बहुत सारी जिंदगियां जो गुर्बत से नीचे की सतह में जिंदगी बसर कर रही हैं, खुदामंद खुदा आपके जीवन में एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू लाने वाला है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरेकी। खुदामंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो खुदामंद खुदा ये चाहता है, आज जितने मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको खुदावंद ने साहिब दौलत बनाया है और खुदावंद खुदा आपको साहिब दौलत बनाने वाला है, गॉस्पल ऑफ लूक चैप्टर 6 वर्स 38 में लिखा है, गिव टू पीपल एंड गॉड विल गिव यू, दिया करो ताकि तुम्हें भी क्या हो, दिया जाए। हमारी गुर्बत की एक रीजन ये भी हो सकती है, हजी हगाई इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, चैप्टर 1 वर्स नंबर 6, हजी पहला बाब 6 आयत, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर असुदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है, रब्बुल फा यू फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो। हम आज जमा करते हैं लेकिन सुराखदार थैली में जमा करते हैं, हम जो कुछ डालते जाते हैं वो नीचे से निकलता जाता है। कलाम ये कहता है कि जमीन खुदा के जलाल से मामूर होगी, जैसे समुंदर है। समुंदर क्यों पानी से भरा रहता है? क्योंकि सराख नहीं है उसके पैंदे में,
हमारी थैलियों में सराख है, इसलिए हम एक गुर्बत से निचली सतह की जिंदगी बसर कर रहे हैं, लो स्टैंडर्ड जिंदगी बसर कर रहे हैं। दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। आखिर में एक मशहूर हवाला आपके साथ शेयर करके मैं बंद करूंगा। आप सब जानते हैं कि मैं क्या कहने को जाने वाला हूं। मलाकी चैप्टर 3:8, मलाकी 3:3 उसकी 8वीं आयत है। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तुझे ठगा, दाइयकी और हदिया में। बस तुम सख्त मलाउन हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी दाइयकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। ये है डिलीवरेंस फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी। और इसी से मेरा इम्तिहान करो, रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। कोई दानिश्वर नहीं कह रहा, कोई दुनिया का बादशाह नहीं कह रहा, कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं कह रहा। हुकूमती नुमाइंदे कहते हैं, पूरा नहीं करते। खुदावंद जो कुछ कहता है वो पूरा करता है। खुदावंद साथ ही ये कह रहा है कि मुझे जमा के देखो कि मैं कैसा मेहरबान हूं। आज लोग इसीलिए गुर्बत से निचले स्टैंडर्ड में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज खुदा मुझे और आपको दौलतमंद देखना चाहता है, हमारे तमाम मसलों को हल करना चाहता है। हमने मुख्तलिफ जावियों से खुदा के कलाम को सीखा है। एक हवाला कह के मैं कलाम को बंद करूंगा, इस्तिशना 8:17 आयत। अक्सर आपने भी सुना होगा और मैं भी सुनता हूं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये दौलत तो हमारे हाथों ने कमाई है, तो हम क्यों ये पैसा खुदा को दें? ये दौलत तो हमने अपने पैसे से कमाई है, तो हमने इतनी मेहनत से पैसा कमाया तो हम यूं ही लटा दें, यूं ही हम यतीम खानों में दे दें, यूं ही हम गरीबों में लटा दें। ये दौलत तो हमने बड़ी मेहनत से कमाई है, दिन रात की मेहनत से कमाई है। इसका हक किसी पर किसी के नहीं है, इस पर इसका हक हमारी जात पर। हम जैसे भी इसको चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मनफी इस्तेमाल करें या किसी और काम के लिए। तो लिहाजा पढ़ें खुदा का कलाम ऐसे लोगों के लिए क्या कहता है। इस्तिशना 8:17 है। और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई। जो जो लोग ये कहते हैं, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना जब तू दौलतमंद हो जाए। क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद
को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। आज दुनिया के दौलतमंद कहते हैं कि हम अपना पैसा क्यों यतीम खानों पर, हम अपना पैसा क्यों गरीबों पर, हाजतमंदों पर, मोहताजों पर जाया करें। ये पैसा हमने बड़ी मेहनत से कमाया है। जो पैसा कमाता वो ही जानता कैसे कमाया जाता है। हमने दिन रात एक की है कि हम यूं ही अपना पैसा खर्च कर दें। तो इन लोगों के लिए कलाम है कि अगर खुदा आपको कुवत ना देता, देन हु आर यू टू अर्न दिस मनी। अगर खुदा आपके साथ ना होता, अगर खुदा ही घर को ना बनाए, तो बनाने वाले की मेहनत आकारत है। खुदा चाहता है, अगर हम दौलतमंद होना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये था कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें। दूसरा स्टेप ये था कि मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। तीसरा स्टेप ये है कि हम खुदावंद को दिया करें। दाई यकी का तल्लक हमारे साथ नहीं, ये खुदा के साथ है और खुदा ही को दाई यकी देनी चाहिए। और जब हम ऐसा करेंगे तो खुदावंद खुदा जो है हमें इस रिहाई बख्शेगा। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद हो। अब हम दुआ करेंगे। दुआ से पहले इस वर्ष को पढ़ना चाहता हूं, यशाया 10:27, यशाया 10:27। और उस वक्त यूं होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और वो जुआ मसा के सबब से तोड़ा जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, जाओ बरे की। आए हम दुआ करें इस वर्ष को सामने रखते हुए। आप भी मेरे साथ दुआ करें। हमने इस वर्ष पर एंड किया था कि जुए के सबब से बंधन क्या होंगे, टूटेंगे। खुदा के मसा से बंधन टूटेंगे। मैं आज उन लोगों के लिए दुआ करने को जा रहा हूं, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ पॉवर्टी। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू, फॉर योर डिलीवरेंस। आज मैं इस इवल स्पिरिट को, इस पॉवर्टी की स्पिरिट को, क्योंकि कलाम कहता है कि मसा के सबब से बंधन टूटेंगे। आए खुदावंद मसा के सबब से ब्रेक द ऑल बॉन्डेजेस ऑफ पॉवर्टी राइट नाउ। तेरे मसा के सबब से बंधन टूटेंगे, जुए टूटेंगे। आए खुदावंद खुदा, मैं तेरे मसा के वसीला से दुआ करता हूं, तेरे मसा को मानता हूं और तेरे मसा को भेजता हूं। You spirit of poverty, I command your mighty name of Jesus, leave this body right now, leave this person right now, leave this lady right now, leave this family right now. Hallelujah, Allah Zee.
हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की, हाय खुदावंद खुदा, मैं तेरे मसा को मांगता हूं, आई वांट योर अनॉइंटिंग ऑन फाइनेंसेस, आई वांट योर अनॉइंटिंग ओवर देयर बिजनेसेस, हालेलुया रबला सी, हालेलुया, आए खुदावंद खुदा, मैं ईमान की आंखों से देख रहा हूं, क्या खुदावंद गरीबी की बदरू इन बदरों को, खानदानों को छोड़ रही है। आई एम गोइंग टू प्रोक्लेम माई सिस्टर माई ब्रदर फॉर यू, द स्पिरिट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग अपॉन यू, योर स्कॉर्डनेस इज चेंजिंग इनटू अबंडेंस, खुदावंद खुदा कमी को कसरत में बदल रहा है, खुदावंद घाटे को नफे में बदल रहा है, इसलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के मसा से हो सकता है, खुदा की कुदरत से हो सकता है। हालेलुया, मैं नबूवत करता हूं कि आपकी गुर्बत की बदरू ने आपको छोड़ दिया है, यू आर नो मोर पुअर, हालेलुया, यू आर नो मोर पुअर, हालेलुया, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, हम खुदावन का शुक्र और उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफक जलाल से मसीह यसु में तुम्हारी हर एक अत्याच रफा करेगा। हालेलुया, आने वाले दिनों में ये आपके लिए पेशन गोई है कि मेरा यसु आपकी तमाम अत्याच को रफा करेगा, आपकी तमाम जरूरियात को पूरा करेगा और आपके पास देने के लिए होगा। हालेलुया, जितनी रिक्वेस्ट आई हैं उनके लिए हम दुआ करते हैं, तो उन पर रहम कर और उन्हें शफा दे, और डिलीवरेंस के लिए दुआ करता हूँ, गुर्बत की बदरू से डिलीवरेंस के लिए दुआ करता हूँ, आजादी के लिए दुआ करता हूँ, आजादी के लिए दुआ करता हूँ। सबको खुदा तो आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, ये सब कुछ उस चीज के नाम से मान के हम ये कहना सिखाया, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है जमीन पर भी हो, हमारी रोजी रोटी आज हमें, और जिस तरह से अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमें कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला बल्कि बुराई से बचा, बादशाहत कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाक तो शराकत हमारे साथ, तमाम कसों के साथ, हमारे खानदानों के साथ, आपसे लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। मैं आपको फिर खुशखबरी सुनाता हूँ, जो आपने रिक्वेस्ट भेजी थी खुदा ने सुन ली है, और खुदा ने आपको शफा दी है, खुदा ने आपके फाइनेंस को ब्लेस किया है, और खुदा ने गरीबी की बदरू को झिड़क दिया है और ख़त्म कर दिया है, और खुदा ने आपको ब्लेस किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, जय हो बरे की। तो लिहाजा आप से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ रुख्सत होने से पहले, कि अगर आपको बरकत मिली है, यकीनन मिली है, तो आप ज़रूर मैसेज को दूसरों तक शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं। आज का कलाम हो सकता है कि आपके वसीला से और बहुत सारी रूहों को जो है गुर्बत की बदरू से रिहाई हासिल हो, इस दुआ के वसीला से, इस कलाम के वसीला से। तो जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करें, और बार बार इस कलाम को सुनें, और अपने होस्ट को एवेंजलिस्ट जावेद गिल को इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। जहाँ सुबह है गुड मॉर्निंग, जहाँ दोपहर है गुड आफ्टरनून, जहाँ शाम है गुड इवनिंग, जहाँ रात है गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।
अपने तमाम व्यूअर्स का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने वक़्त निकाला और आकर खुदा के कलाम को सुना। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। हाँ, इसके साथ मैं ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि फेसबुक पे भी सैमुअल गिल ने इसको डाला है, आप उसको सुने इस टेस्टमनी को। और ये चीज़ जो बताइए यूट्यूब के हवाले से, हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि बताया गया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्रिस्क्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन।